हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन वाला भैया। तो आज हम लोग मैथ के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को पता है मैथ में हम लोग एलिमेंट्री एलजेब्रा को कवर अप कर रहे हैं। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और बहुत लोगों का बना भी होगा, बिकॉज उसमें जो टिप्स है मैंने ऑलरेडी दे दिया था। फिर भी आज इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेशन को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यही सवाल था, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 119, और आपसे क्यूब में पूछा गया था। तो डायरेक्ट इस टाइप के सवाल तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं पढ़ा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब सवाल नहीं दिया हुआ रहता है तो दिमाग लगाना पड़ता है, मैंने पहले बताया था। तो आपको पता है यहां से हम लोग ये जा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर तो कर सकते हैं, हाफ में जा सकते हैं। तो आपको पता है जब ये दिया हुआ रहे, मतलब क्या है ना, x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ रहे p, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना रहे, तो आपको भी पता है कि पी स्क्वायर माइनस 2 करते थे। तब आप ये समझ लीजिए कि x पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 इक्वल्स टू 119 दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है अब हम कोई जस्ट इसके आधा पावर में निकालना है ना, इसमें पावर में 2 था, यहां पर पावर 1, मतलब यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, और निकालना क्या है एग्जैक्टली, निकालना है हमको पी, ठीक है, मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 क्या, सॉरी, ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि कम पावर वाला को पी मानते थे, तो यहां पे कम पावर है, इसको पी मान लिए। अभी जो है ये ज्यादा पावर है, ये मतलब जो है ये क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 119 होना चाहिए। अगर ये p हो तो पी स्क्वायर माइनस 2 मतलब यही वाला, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4, पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो पी स्क्वायर माइनस 2 कितना है ना, 119 जो दिया हुआ है, तो पी स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 119 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 121। अगर p निकालेंगे तो निकल करके आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है स्क्वायर हमारा निकल के आ गया, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 2 से पी निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस इक्वेशन से अगर पी इक्वल्स टू 11 है, मतलब ये यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी था, पी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो यहाँ पे ये रख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे ऑपरेशन कि हम लोग क्यूब में जा पाए, तो ऐसा कोई ऑपरेशन है जो स्क्वायर से क्यूब में जा पाए, तो यहां पे भी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जहां स्क्वायर से क्यूब में जा पाए। तब क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम चीज कि अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब अगर ये दिया हुआ है तो यहां जाते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, लेकिन अब जो है उल्टा करेंगे, मतलब क्या है कि दिया हुआ जो चीज है ये अगर हम लोग क्या मान लें ना, पी स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए, हम लोगों को निकालना क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, हम लोगों ने रिवर्स क्वेश्चन पढ़ा था, हम लोगों ने रिवर्स सवाल किया था। तो रिवर्स जब हम लोग करते थे, अगर ये जो चीज दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ ना, पी स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ सर ना, पी स्क्वायर माइनस 2। तो आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लोग करते थे, ए और बी इस तरह से मानते थे, तो क्या करते थे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करते थे। और यहाँ पे ये इसी को पी मानते थे, तो पी का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे क्या निकला, एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपस में जो है कैंसिल होता था, प्लस 2 होता था, और इसको ही निकाल रहा है। देखिए ये दिया हुआ है, ये जो है दिया हुआ है, यहाँ पे यही दिया हुआ है, तो इधर क्या है, पी स्क्वायर, ये प्लस इधर 2 माइनस 2 आ जाएगा, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो है ये भी दिया हुआ है, और आपको निकालना है ये, तो इसको क्या माने थे, पी, मतलब पी निकाल के बैठाना है हमको। तो पी निकाल के अगर बैठाना है तो पी स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है आपका 11, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो 11 है ये क्या दिया हुआ, पी स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, आपको यहां से पी निकाल लेना है। तो पी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 13, और पी निकालेंगे अगर तो रूट 13, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर ये पी स्क्वायर माइनस 2 है तो ये क्या होगा ना, पी होगा, और यही पी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है रूट 13,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल हमारा ये भी नहीं है और ना सवाल ये है, सवाल तो क्यूब में है। तो अब जो है सिंपली हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे क्या ना, इससे हम लोग क्यूब में जा सकते हैं। इसीलिए देखिए इतना खटना पड़ा। अब क्यूब में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, क्यूब वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या है ना, देखिए ये जब दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ है ना, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू निकल करके आया आपके सामने रूट थर्टीन। ये रूट थर्टीन जो है आपके पास निकल करके आ गया, आपको निकालना है x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो डायरेक्ट आप क्यूब में जा सकते हैं। क्या फॉर्मूला था ना, पी क्यूब माइनस थ्री पी। याद रखिएगा यहां जब प्लस रहता था तो यहां माइनस रहता था, क्यूब में, क्यूब में, ठीक है, ये आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो अभी p का वैल्यू क्या निकल करके आया ना, ये जो होता था यही p होता था, ठीक है। तो रूट थर्टीन का, रूट थर्टीन का आपका क्यूब हो गया माइनस थ्री रूट थर्टीन हो गया, ठीक है, थ्री रूट थर्टीन हो गया। तो आपको पता है रूट थर्टीन से क्यूब करेंगे, रूट थर्टीन का क्यूब करेंगे तो एक थर्टीन जो है निकलेगा और एक थर्टीन जो है रूट में रहेगा, क्योंकि तीन रूट थर्टीन, दो रूट थर्टीन से एक थर्टीन निकल गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस थ्री रूट थर्टीन हो गया, इसको अगर माइनस कर लेंगे थर्टीन से थ्री तो क्या निकल करके आ जाएगा, टेन रूट थर्टीन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जो भी बच्चे इस सवाल को बनाए हैं, जो भी बच्चा का आंसर ये आया है, मतलब आप समझिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप लोगों से कोई सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर नहीं भी आया है, प्रोसीडिंग को फॉलो किए हैं, न्यूमेरिकल मिस्टेक एक आध इधर आगे पीछे हो रहा है, तो ये अपने आप को जो है डेमोलाइज मत कीजिएगा कि अरे मेरा आंसर तो इतना नहीं है। लेकिन अगर प्रोसीजियर को आप यही फॉलो किए हैं, मतलब समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। मंजिल तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है और वो वक्त आप डिसाइड नहीं कीजिएगा कि आपको कब मंजिल पहुंचना, वो ऊपर वाला देख रहा आपका मेहनत को, ठीक है। तो सेशन को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीकरणों के बारे में, एलजेब्रा आइडेंटिटीज के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। आई होप इस इक्वेशन से आप लोग परिचित हैं, पहले भी मैंने इस चीज को पढ़ाया है, इसके सवाल भी बनाए हैं, लेकिन चूंकि आइडेंटिटीज हम लोग स्टार्ट किए हैं तो आइडेंटिटीज के बारे में एक जगह पे आपके पास रहेगा तो रिवीजन में जो है आपको आसानी होगी। आपको भी मालूम है कि जब एक्स टू द पावर एन वन प्लस माइनस वन बाई एक्स टू द पावर एन पी दिया हुआ रहे और जस्ट उसका ऑपोजिट निकालना रहे तो ये फॉर्मूला होता है। अर्थ क्या है अभी देखिए, ये सवाल क्या है कि जब इस सवाल को बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कुछ दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना रहे, प्लस में दिया हुआ रहे माइनस में निकालना रहे, लेकिन पावर जो है सेम रहेगा, इधर भी जो पावर है इधर भी वही रहेगा, जो भी रहे एनीथिंग जो भी रहे सेम रहेगा, तब क्या करते हैं। तो आपको भी पता है, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको कि इस टाइप से रहे तब आप लोग अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालिएगा, यहां प्लस है यहां माइनस रहेगा, निकालिएगा तो क्या कीजिएगा ना, पी स्क्वायर यहां माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे माइनस फोर और इसको कर दीजिएगा रूट के अंदर, ठीक है डायरेक्ट। और p क्या है, ये जो दिया हुआ रहेगा वो p होगा, तो p मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस फोर रूट के अंदर और ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक सवाल और आपके पास यहां पे है, जैसे बोले ना कि पावर में कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, अब सवाल को थोड़ा सा घुमा दिए हैं, ये माइनस में दिया हुआ है निकालना प्लस में, ठीक है। तो जब माइनस में दिया हुआ रहे और निकालना आपको प्लस में है तो इस तरह से करेंगे सेम चीज ना, पी स्क्वायर यहां पे ध्यान देने वाली बात होगी कि प्लस होगा ना माइनस होगा, तो जब प्लस निकालना है तो प्लस लिखेंगे, यहां पे माइनस निकालना था तो यहां माइनस लिखे थे तो प्लस लिखेंगे प्लस फोर, इसको कर देंगे रूट के अंदर और पी मतलब क्या है थ्री है तो थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर, ये हो गया आपका नाइन प्लस फोर थर्टीन, ये रूट के अंदर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी हम लोग को सीखने को मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू अगर 2 दिया हुआ रहे, अभी क्या दिया हुआ रहता था ये बोलते थे, लेकिन आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है समझिए कि जो चीजें फिक्स है सर्व समीकरण मतलब सब जगह वैलिड हो, ठीक है, द थिंग्स और द रूल्स विच इज वैलिड टू एवरीवेयर इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। मैथमेटिक्स में वही चीज को हम लोग पढ़ते हैं
कि मान लीजिए डायरेक्ट आपके पास ये सवाल लिख करके आ जाए तो आंसर आप डायरेक्ट कर सके। इस वजह से हम लोग इस चीजों को जो है पहले से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कंपटीशन का तैयारी नहीं करते, जनरल मैथ्स को पढ़ते, तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप लिखा हुआ रहे तो आप वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए चीजों को, क्योंकि जब जब समझिएगा तब सवाल जो है बनेगा, और नहीं समझिएगा तो सवाल बनने का आशा जो है कम हो जाएगा। इसका अर्थ को समझेंगे। देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू, अगर सिर्फ टू दिया हुआ है, थ्री नहीं, मैं टू का बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर यही इक्वेशन को इस टाइप से लिखा हुआ रहे, इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखा हुआ रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू। बोलेगा सर दो अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है बट सेम है। आप एक काम कर सकते हैं, इसमें इसमें एक काम कीजिए कि डिवाइडेड बाई एक्स कीजिए, वही निकल करके आ जाएगा। इसमें एक्स को डिवाइड करेंगे अगर तो क्या होगा ना, एक्स निकल के आएगा माइनस टू, टू है एक्स है और बटा में एक्स होगा, प्लस वन बाई एक्स होगा इक्वल्स टू जीरो होगा। तो देखिए क्या निकल करके आ रहा है यहाँ पे ना, एक्स माइनस ये एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू जीरो। आपको भी दिख रहा होगा अब कि एक्स प्लस वन बाई एक्स लिखे, ये माइनस टू था, इधर जाके प्लस टू हो गया। तो सेम चीज है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू अगर ये दिया हुआ रहे, या फिर इस टाइप का इक्वेशन लिखा हुआ रहे, क्या ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ रहे, तो आप सीधा सीधा ये बात इसका मतलब निकालिएगा कि भैया एक्स इक्वल्स टू वन है। सर हवाबाजी कर रहे हैं क्या, कोई भी तो वैल्यू हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, यही होगा, और कोई उपाय नहीं है। इसका पूरा चेक करके बताया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अगर जीरो दिया हुआ रहे और आपको बोले कि एक्स का वैल्यू निकालिए, तो सीधा लिखिएगा वन। कैसे, कि देखिए वैल्यू पुट मेथड सबसे आसान होता है। ठीक है, इसको मिटा दें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं। देखिए इसको भी मैंने मिटा दिया, यहां पे लिखा हुआ है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू, तो x का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिए, यहां x के जगह पे अगर वन पुट करेंगे, प्लस वन बाई एक्स के जगह में वन पुट करेंगे, इक्वल्स टू टू हो रहा कि नहीं चेक करेंगे, तो टू हो रहा है ना, वन प्लस वन बाई वन मतलब क्या होता है, वन इक्वल्स टू टू, और कोई भी वैल्यू पुट कीजिए नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सर पॉइंट वॉइंट में बैठा करके भी देखेंगे, नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है, अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू है, तब जाकर के ये जो है वैल्यू x का क्या निकलेगा ना, हमेशा जो है वन निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात x इक्वल्स टू क्या होगा, वन, क्योंकि x के जगह में वन पुट करके चेक किए। इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि वैल्यू पुट कैसे करते हैं। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल ऐसे नहीं आएगा कि दे दिया कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू, तो x का वैल्यू वन आएगा। सर याद करने बोले तो याद है, डायरेक्ट आंसर लिख दी, ऐसा नहीं आएगा। x तो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपका मजबूरी होगा, लेकिन सवाल कुछ और ही रहेंगे। जैसे कि हम एक सवाल आपके सामने ले लेते हैं, देखिए हम एक सवाल आपके सामने रखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है x टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल्स टू व्हाट। क्या दिया हुआ है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ये जो है नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और आपसे कह दिया गया है इस टाइप का कोई एक इक्वेशन दे दिया, कुछ भी इक्वेशन दे दिया, और आपको निकालने के लिए बोला गया, तो यहां पे तो वैल्यू पुट कीजिएगा ना, एक्स का वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी कि x प्लस वन बाई एक्स तो टू दे दिया, हमको चाहिए x, तो आपको पता है आइडेंटिटीज के थ्रू से कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर टू दिया हुआ रहे, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू अगर जीरो दिया हुआ रहे, तो आपको पता है कि x का वैल्यू सर हमेशा वन ही आएगा। कैसे, मैंने बता दिया, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए बस, वन पे पावर फोर तो वन ही होगा, वन पे वन स्क्वायर मतलब वन ही होगा,
और 3 इंटू वन दैट इज 3 होगा प्लस 2 माइनस 5 इंटू वन 5 ही होगा प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो होगा आंसर। मतलब क्या है कि ये सवाल आएंगे, हो सकता है कुछ और पिक्यूलियर टाइप के सवाल कर दे, लेकिन अगर आपको x का वैल्यू निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x का वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिटीज का मदद से हम लोग जो है बहुत बड़े बड़े सवाल को बनाते हैं। ये एक छोटा सा सवाल दिखा इसीलिए आप लोग ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो सेशन आएगा वैसा जहां पे हम लोग बड़े बड़े सवाल को भी लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आइडेंटिटीज की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस टू है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि x प्लस वन बाई एक्स अगर 2 दिया हुआ रहे, लेकिन अब क्या है कि x प्लस वन बाई एक्स जो है क्या दिया हुआ रहे, माइनस टू दिया हुआ रहे। या फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अगर 0 दिया हुआ रहे, सेम चीज है। आप इसमें x को डिवाइड करके चेक कर लीजिए, x को अगर डिवाइड करके चेक कीजिएगा तो निकल करके यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चेक कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अगर 0 दिया हुआ है, इसके पहले क्या रहता था ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू अगर 0 दिया हुआ है, माइनस की जगह जस्ट प्लस आ गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये माइनस टू दिया हुआ है, टू नहीं दिया हुआ, तब क्या होगा, तो वैल्यू पुट करके चेक कीजिए। माइनस टू होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिख दिए हैं ओनली व्हेन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, ये क्या है माइनस वन होगा तभी होगा। यहां पे अगर माइनस वन पुट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर, जब भी माइनस का स्क्वायर होता है फोर्थ होता है, मतलब पावर में इवन होता है। बोलने का मतलब कि देखिए माइनस वन लिखा हुआ है, पावर में अगर कोई भी संख्या है और वो इवन है, इवन मतलब तो आप लोग को पता ही है, सम संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए, ऐसा संख्या अगर है तो निकल करके जो बाहर आता है वो वन होता है। और माइनस वन के पावर में जब भी ऑड मतलब विषम संख्या रहे, ऑड नंबर रहे, तो जो निकल के आता है वो माइनस वन होता है। तो यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू और माइनस वन प्लस वन, इसको अगर निकालेंगे आप लोग देख पाइएगा कि क्या हो रहा है, माइनस वन का स्क्वायर तो इवन है तो ये होगा वन, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, टू इंटू वन दैट इज टू प्लस वन, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वन वन टू, माइनस में टू है कैंसिल हो जा रहा, जीरो आ रहा, दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो माइनस वन होगा x का वैल्यू, याद रखिएगा कि x प्लस वन बाई एक्स अगर माइनस टू दिया हुआ रहे तो x का वैल्यू माइनस वन होता है। यही चीज उल्टा कर पढ़े हम लोग कि x प्लस वन बाई एक्स अगर टू दिया हुआ रहे तो x का वैल्यू वन होता है, इस बात को याद रखना है, सिंपल चीज है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सवाल कैसे आएंगे ध्यान दीजिए, क्या है लिखा हुआ है कि फाइंड x टू द पावर 98 प्लस 1 बाय x टू द पावर 108 व्हेन x प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू माइनस 2, इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहां से आप लोग को पता क्लियर डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए कि x इक्वल्स टू जब माइनस 1 हो ना तभी ये पॉसिबल है, बस बाकी सवाल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सवाल तो बन ही गया कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस टू है, मतलब x का वैल्यू जो है माइनस वन होता है, इस बात को दिमाग में क्लिक होना चाहिए टाइम पे, बाकी तो सवाल बन जाएगा, आपको भी पता है। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, पावर में कितना है 98 है, प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, पावर में कितना है 108, तो माइनस वन के पावर में इवन, तो माइनस वन के पावर में इवन होता है तो वन आता है, आपको भी पता है तो लिख दिए वन, प्लस प्लस वन बाई एक्स माइनस वन पे पावर फिर से इवन, 108 क्या होता है इवन संख्या होती है ना, सम संख्या होती है, दो से पूरा पूरी कटती है, तो इससे भी जो बाहर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, वन ही निकल करके आएगा, तो वन बाई वन वन ही होता है, तो वन प्लस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू, ये आपका हो जाएगा आंसर, दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी, बहुत ही आसान था। इसी टाइप का सवाल ऐसे बोल सकता है कि इफ, पहले ही दे दिया कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, तो यहां से तो आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स इक्वल्स टू जो है माइनस वन ही होगा। x टू द पावर 98 प्लस x टू द पावर, देखिए क्या निकलने बोला है, x टू द पावर 99 है प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 107 है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि माइनस वन पे पावर 99 प्लस 1 पे 1 बाई एक्स मतलब माइनस 1 पे पावर 107, आपको भी पता है जब ऑड से बाहर निकलता है तो वो क्या निकल करके आता है ना, माइनस वन निकल करके आता है, यहाँ बीच में प्लस है प्लस दीजिए, यहाँ पे से भी जो निकल करके आएगा वो माइनस वन होगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू, ये तो आप लोग को भी पता, सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान चीज़ है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये समझाने की कोई बात है नहीं, माइनस वन फिर माइनस वन तो माइनस टू हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल इस टाइप से भी बन सकते हैं,
कि जो है ऑड और इवन मिला के दे दे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि इवन दिया हुआ है तो इस टाइप से निकल रहा है, जब ऑड दिया हुआ है तो ऐसे निकल रहा है, मिक्स कर देगा तो सिंपल, बहुत सिंपल है। इसका मतलब सिर्फ आपको समझ में आना जाना चाहिए कि x इक्वल्स टू माइनस वन होगा, बस बाकी तो ऐसे ही बन गया। माइनस वन पे पावर क्या निकालने के लिए बोला, 99 कीजिए, प्लस वन बाई माइनस वन पे पावर क्या है 96 हो गया। तो यहाँ पे माइनस वन से जो निकल करके आएगा वो माइनस वन होगा, ये पता होना चाहिए। बस क्या है कि इवन पावर रहे तो वन आएगा, ऑड पावर रहेगा तो माइनस वन आएगा, ठीक है। तो इवन पावर है ना, ऑड पावर है 99 इज अ ऑड नंबर, तो यहां से माइनस वन निकल करके आएगा, प्लस हो गया वन बाई माइनस वन पे पावर इवन नंबर है, इवन मतलब सीधा सीधी वन निकालिएगा, तो यहां पे माइनस वन क्या है, माइनस वन यहां से निकल करके आ रहा है प्लस वन, मतलब माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया। कोई दिक्कत, देखिए सवाल इस टाइप से भी बन सकते हैं, अब सवाल जो है इस टाइप से भी बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि इस टाइप से पावर में खाली दे दिए, ये इक्वेशन के रूप में भी दे दिया। क्या लिखा है देखिए कि फाइंड दिस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2 दिया हुआ रहे या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ रहे, बोथ आर सेम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही चीज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 है, यहां से जो x निकल करके आएगा वो माइनस 1 ही होगा, बस इतना ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए टाइम पे। बाकी आप पुट कर दीजिए कि माइनस 1 का पावर में x का पावर में 4 है, 4 दे देंगे, प्लस 3x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में इवन जैसे ही होता है वो पॉजिटिव निकल करके आता है, नेगेटिव नहीं, पावर में इवन तो पॉजिटिव निकल करके आता है, 1 हो गया, प्लस 3 है, माइनस 1 का क्यूब करेंगे मतलब ऑड है तो ये माइनस 1 ही रहेगा, प्लस 3 माइनस 1 का इवन रहे तो क्या रहे, 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 लिख दिए, प्लस 5 आपको भी पता है 1 यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5, आप माइनस 3 प्लस 3 को कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस 1 है और ये 5 है, तो ये निकल करके आ जाएगा 6, ये हो गया आपका आंसर। सवाल किस टाइप से बन सकते हैं समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी पढ़ने का क्या तात्पर्य है, सवाल जैसे डायरेक्ट बने, मतलब देखिए कुछ कुछ आइडेंटिटीज है जो डायरेक्ट सवाल में बन करके आ जाते हैं, जैसे ये जो है ना डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, अब आप सॉल्व करते रहिए फिर वैल्यू निकाल के, माथा पच्ची करना कुछ है नहीं, x प्लस 1 बाई एक्स टू दिया हुआ रहा है तो x का वैल्यू 1 होगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल माइनस टू दिया हुआ रहा है तो माइनस 1 होगा x का वैल्यू, बस इतना ही काम था। तो नेक्स्ट क्लास में और भी आइडेंटिटीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।